हेलो एवरीवन। तो आज मैं क्लीन करने जा रही हूँ अपने बच्चे का रूम। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, पूरे बच्चे का रूम है ये मेरा, जो कि उसने बहुत ज्यादा फैला के रखा हुआ है, जो कि हर बच्चा करता है। हर बच्चे रूम फैलाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम उसका रूम पूरा क्लीन करेंगे। तो आप उसका रूम देख सकते होंगे, ये देखिए उसने कितना फैला के रखा हुआ है अपना रूम। ये पूरा, तो आज हम ये रूम पूरा क्लीन करेंगे। तो लेट्स गो, चलिए और आप भी देखिए कि हम किस तरीके से अपने बेटे का रूम क्लीन करते हैं। तो लेट्स गो। तो हम चलते हैं अभी का रूम क्लीन करने। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप देखिए। चलिए अबीर को मैंने सुला दिया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं जनरली क्लीन कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अबीर का बेड लगा रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सामान अंदर रख दिए हैं। अबीर की सोने की वजह से सारे सामान मैंने अंदर रख दिए हैं, जिससे अबीर परेशान भी नहीं करेगा और काफ़ी सामान इस बेड के अंदर आ जाएंगे, जो रूम में फैले हुए नहीं दिखेंगे। टॉयज है मेरे बेटे के पास, ये बता नहीं सकती कसम। सी आपको जब भी अपने बच्चों के टॉयज ऐसे पैक करके रखना हो ना, तो आप उनमें से सेल जरूर निकाल लेनी, तो वो खराब हो जाते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी अमेज़न से।
तो एवरीवन हमारा आधे से ज़्यादा रूम कंप्लीट हो चुका है, क्लीन हो चुका है, तो मैं आपको झलक दिखा। ये अभी इनकी स्टडी टेबल है, यहाँ पर अभी पढ़ाई करता है। तो फाइनली हमारा रूम क्लीन हो चुका है, ये मेरे बेटू ने बनाया है। हमारा रूम क्लीन हो चुका है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा और ये रूम कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।